गूगल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और हम इनको कैसे उपयोग में ले सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महावीर जैन और आप देख रहे हैं माइंडेड सर। तो आज का इस वीडियो में आपको ऑनलाइन गूगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिनका उपयोग करके हम फ्रीलांसिंग और डाटा एंट्री का काम अच्छे से कर सकते हैं। डाटा एंट्री के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स बनाना, जैसे कि वर्ड फाइल बनाना, एक्सेल फाइल बनाना, तो ये काम बड़ी आसानी से हो जाता है, जिसमें कोई हमें दिक्कत भी नहीं होती। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे के बटन को भी जरूर दबाएं। सबसे पहले हम जानते हैं कि गूगल डॉक्यूमेंट निकालते कैसे हैं। सिंपली आप गूगल पर टाइप कर दीजिए गूगल डॉक। गूगल डॉक टाइप करने के बाद आपको पहले जो मिलेगा रैंक पे वो गूगल डॉक्यूमेंट्स ही होगा, जहाँ तक या फिर आप डाल सकते हैं गूगल डॉक्यूमेंट, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। फ्री वेबसाइट है, कुछ भी कैसे भी आप उपयोग कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ गूगल डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं जो गूगल द्वारा दिए जाते हैं। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग करते हैं, जिसमें एक्सेल फाइल, वर्ड फाइल बना सकते हैं, उसी तरीके से हम गूगल में भी ये चीज़ बना सकते हैं, जिनका डाटाबेस गूगल ड्राइव में सेव होता है। तो ऐसे हम इसमें हमको चार चीज़ मिलती हैं गूगल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हम वर्ड फाइल बना सकते हैं, शीट फाइल और स्लाइड फाइल, जिसमें पावर पॉइंट आपने यूज किया होगा उस तरीके से, और एक फॉरम, कोई भी किसी का फॉरम बना के हम उसमें साइट में लिस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं गूगल डॉक्यूमेंट्स के पेज पर, जिसको आप चाहें तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं गूगल डॉक्यूमेंट्स, और इस तरीके से एक आपको पेज देखने को मिलेगा जब हम वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो इसमें आपको देखना है, बहुत सी चीज़ें हैं आपको देखने लायक। तो इसमें आपको कुछ पहले से टेम्पलेट मिल जाती हैं, जैसे रिज्यूम बना रहे हैं तो आप रिज्यूम बना सकते हैं ऑनलाइन, लैपटॉप बना सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें इसमें पहले से टेम्पलेट में मिल जाती हैं जो गूगल द्वारा फ्री में दी जाती हैं आपको। तो ये एक रिज्यूम का सैम्पल है, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर। एक वर्ड फाइल, जस्ट जैसे आपका वर्ड फाइल होता है कंप्यूटर में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होता है वो, और ये गूगल की तरफ से है। तो इसमें और उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बट दोनों अपने अपनी जगह पर बिल्कुल अच्छे हैं। जब अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो आपके लिए ये ज़्यादा बेस्ट रहता है। यहाँ पे आप बना सकते हैं इस टेम्पलेट में, और ये सिर्फ एक डेमो के लिए है। आप जैसे चाहें अपना रिज्यूम बना सकते हैं, या फिर कोई भी आपको फाइल लिखनी है, टाइपिंग करनी है, तो आप नॉर्मली इसमें ऐसे कर सकते हैं। और इसमें आपको तीन चीज़ें मिलती हैं, एक तो वर्ड फाइल ऐसा हो गया, और इसको हम इसको सेव कर, सबसे बड़ी बात है लाइट जाने पर या फिर पावर ऑफ होने पर कंप्यूटर के, इसमें सेव करने की कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक सेव होता रहता है हर सेकंड में। इसका एक यूनिक फीचर ये भी है, ठीक है। अब हम डॉक्यूमेंट्स के बाद आते हैं शीट पे। इसको स्प्रेड शीट भी बोलते हैं, गूगल शीट भी बोलते हैं, और सेम एक्सेल शीट ही है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इसके भी अगर इसमें देखें तो बहुत से इसमें ऑलरेडी टेम्पलेट्स हैं, अपन चाहें तो ब्लैंक बना सकते हैं, जिसको अपन जैसा चाहें बना सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सेल शीट में हम डाटा एंट्री का काम कैसे करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें सेम टू सेम डाटा सेव कर सकते हैं, जैसे हम ऑफलाइन में करते हैं। मेरे पास ऑफलाइन भी है, मैं आप उसको खोल के दिखाता हूँ। आपने देखा होगा ऑफलाइन में जो एक्सेल शीट होता है वो सेम टू सेम ही दिख रहा है। ये देखिए, ये सेम फीचर आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। आपको बड़ा सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत है नहीं। सभी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जो आप उसमें एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें सेव करने की इतनी दिक्कत नहीं होती, इसलिए ये बेस्ट लगता है मेरे को, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के बाद स्लाइडर का आपको मैं एक बार बताना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ स्लाइडर्स हैं जो पहले से भी इसमें टेम्पलेट दे रखी है गूगल ने, आप चाहें तो इनको यूज करके बना सकते हैं, नहीं तो आप अपना बना सकते हैं, कोई भी अपना आप बनाना चाहें तो, ठीक है। मैं आपको अगली वीडियो में डॉक एक्सेल शीट का उपयोग करना बताऊंगा। ये स्लाइड में फाइल है जो सेव है ऑलरेडी, प्रिंटर वगैरह कुछ आप चाहें तो ऐसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप गूगल डॉक्यूमेंट्स की इन फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं, फ्री है, कोई इसका पेड वर्जन नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात है डाटा ऑनलाइन सेव रहता है, हम चाहें कहीं भी कैसे भी, बस हमको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, निकाल सकते हैं। इसमें आपको बस अपना एक अकाउंट जो है गूगल का वो लॉगिन करना होता है सिंपली, और आपका काम इसमें आसानी से हो जाता है। तो और आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और आपको क्या आगे वीडियो देखनी है उसके लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।